bunch of spineless people on social media that have no courage. मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों पर भड़के विराट कोहली, दिया मुंह तोड़ जवाब। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम के खिलाड़ियों ने मैच से पहले जमकर प्रैक्टिस की है। पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ हार मिलने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर निशाना बनाया था, जिसे लेकर टीम के कप्तान विराट कोहली का बड़ा बयान सामने आया है। कोहली ने मोहम्मद शमी का नाम लिए बगैर ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। गौरतलब है कि शमी को निशाना बनाए जाने के बाद क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गजों ने उनका समर्थन किया था। अब कप्तान की तरफ से ये बयान आया है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा कि हमारा पूरा फोकस मैच पर है, बाहर के ड्रामे पर नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर ऐसी हरकतें करते हैं, आज के समय में ऐसा होना आम बात हो गई है। हालांकि हम अपने ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल रखते हैं और सभी को साथ रखते हैं। विराट कोहली ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, हालांकि कुछ लोग सिर्फ यही करते हैं। कोहली ने आगे कहा कि मोहम्मद शमी के खेल में अगर किसी को पैशन नजर नहीं आ रहा तो मैं उन लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। विराट कोहली ने कहा, एक हार से फैंस क्या सोच रहे हैं या देश में लोग क्या सोच रहे हैं, हम उसे लेकर परेशान नहीं है। टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के मैच पर फोकस कर रही है। सोशल मीडिया पर जो लोग खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं उनको लेकर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ियों के धर्म को लेकर टिप्पणी करने वाले लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। खिलाड़ियों का मजाक उड़ाना गलत है। हमारे लिए हर मैच महत्वपूर्ण है, एक मैच से सब कुछ खराब नहीं हो जाता। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि खेल जगत से जुड़ी हर वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।